Mine, I'll be mine, I'll be mine, I'll be mine. Mine, I'll be mine, I'll be mine, I'll be mine. Mine, I'll be mine, I'll be mine, I'll be mine. Was the greatest man that ever lived, yeah. Mine, I'll be mine, I'll be mine, I'll be mine. Mine, I'll be mine, I'll be mine, I'll be mine. Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope कि आप सब खैर खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे का एक और खूबसूरत दिन हमें मिला है और इस दिन हम सब फ्राइडे की जो सुन्नास हैं उसको हम देख लेंगे एज अ रिमाइंडर और इंशाल्लाह इन सबको फॉलो करेंगे. और हम सब फ्राइडे को सूरह कहफ़ भी पढ़ते हैं. हम सबको पता है कि ये एक मसनून अमल है. और अब बहुत सारे लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, कुछ अपनी जॉब्स में और बाकी के कामों में, तो वो किस तरह से सूरह कहफ़ को पढ़ें बिकॉज इट्स लॉन्ग सूरह. तो उनके लिए ये है कि हमारे पास जो टाइम होता है वो थर्सडे नाइट की जो मगरिब है उससे फ्राइडे का दिन स्टार्ट हो जाता है. तो आप थर्सडे नाइट की मगरिब के बाद सूरह कहफ़ पढ़ सकते हैं और फ्राइडे की मगरिब से पहले पहले उसको ख़त्म कर सकते हैं. तो आप उसको डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड भी कर सकते हैं. तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से उसको पढ़ना चाहते हैं, बट इट्स वेरी ईजी. अगर आप चाहें तो आप उसको ये सुन्नत जो है फॉलो कर सकते हैं. आज फ्राइडे रिफ्लेक्शन में मैं नमाज के हवाले से बात करूंगी और ख़ास तौर पे नमाज में एक सकीनत और एक ठहराव और सुकून के साथ नमाज को अदा करना, जल्दी जल्दी में अदा ना करना, इसके बारे में. मैं पूरा वीक अपनी नमाज को चेक कर रही थी और मैं अपने आप से पूछ रही थी कि क्या मेरी नमाज ऐसी है कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, क्या इसमें फुल कंसनट्रेशन होती है. आप सब भी अपनी नमाज के बारे में सोचें, एनालाइज़ करें कि आपकी नमाज़ें ऐसी हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएँ, क्या उनमें फुल फोकस कंसंट्रेशन होता है. क्योंकि यू नो नमाज हमने डेली पढ़नी होती है 5 वक्त, तो कई बार एक रिचुअल सा एक रूटीन बन जाती है और हम नमाज में कोई चेंजेस नहीं लेके आते, नई दुआएं याद नहीं करते हैं और कई बार कामों में मसरूफ़ होते हैं और जल्दी जल्दी में बस नमाज को अदा करके अपने बाकी कामों में वापस चले जाते हैं. तो इस पर हमें सोचना है क्योंकि नमाज जो है वो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देती है. अगर आप उसको उसका हक दें, नमाज की पूरी शराइत के मुताबिक अदा करें और जिस तरह से पढ़ने का हक है उसको फॉलो करें. क्योंकि आप ये देखें कि हम जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, हम अल्लाह अकबर कहते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस अजीम हस्ती के सामने हम खड़े हुए हैं उसके हाथ में पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है. तो हमें जो फिक्रें होती हैं कई बार, यू नो, हम सोच रहे होते हैं कि हम जल्दी से नमाज़ पढ़ लें, अभी ये काम हमारा पेंडिंग है, वो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या अभी वो फ़ोन कॉल करनी है. तो आप ये सोचें ना कि जो भी हमारे काम हैं दिन के, वो सारे काम अल्लाह ताला बेहतरीन संभालने वाला है. तो इस वक्त जब भी आप नमाज पढ़ते हैं ये सोचें कि जो हम ये नमाज पढ़ रहे हैं इससे बढ़कर, इससे अफजल काम कोई और हो नहीं सकता. और जिस हस्ती के सामने खड़े हैं वो हमारे सारे कामों को संभालने वाला है, बेहतरीन तरीके से संभालता है. तो इसलिए अपना फोकस अल्लाह ताला पर रखें और नमाज पर रखें, उसको सुकून से पढ़ना, एक ठहराव के साथ इत्मीनान से अदा करना हर एक एक उसका जो जैसे रुकू है, कयाम है, सजदा है, ताकि हमारी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हों. अगर आप इस पर गौर करें ना, तो नमाज अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन गिफ्ट है. क्योंकि आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको दिन में 5 बार ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अल्लाह से कनेक्ट हो सकें, अपनी सारी दुनिया के कामों से बिल्कुल अपने आप को डिसकनेक्ट करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएँ उससे बात करने के लिए. क्योंकि आप ये सोचें ना कि पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो कौन चला रहा है? अल्लाह ताला चला रहा है. और जब आप अपने आप को सारे कामों से डिसकनेक्ट करके अल्लाह के बारगाह में खड़े होते हैं नमाज के लिए फुल फोकस के साथ, उस टाइम पे ये सोचा करें कि जब आपने अल्लाह अकबर कह दिया है तो आपके बाद में जो काम आपने करने हैं और जो पहले कर रहे थे उनको कंटिन्यू करना है, उनकी फिक्रों से आज़ाद होकर आप ये सोचें कि जिस हस्ती के सामने हम खड़े हुए हैं वो उन सारे कामों को बेहतरीन तरीके से संभालने वाला है, उनमें बरकत डालने वाला है. इसलिए आप जो उस टाइम पर नमाज पढ़ते वक्त ये सिर्फ सोचें कि जो ये काम आप कर रहे हैं इससे अफजल काम और हो नहीं सकता, अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी जो हम देते हैं उससे बढ़कर और कोई इम्पोर्टेंट काम उस वक्त हो नहीं सकता. तो जल्दी ना करें, इत्मीनान से पूरे उसको यू नो ठहराव के साथ सकीनत के साथ नमाज को अदा करें. और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको नमाज में एक लज्जत महसूस होगी, एक मिठास नमाज में आपको फील होगी.
आप इस तरह से सोचें ना कि अल्लाह ताला आपको दिन में 5 बार अपने कामों से हटा के आपको स्लो डाउन करते हैं, आपको रिलैक्स होने का मौका देते हैं कि आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं, अल्लाह से बात करें। सुभान अल्लाह, तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसमें भी अगर हम जल्दी जल्दी बस नमाज़ को ख़त्म करने के चक्रों में रहें तो फिर आप देखें कि आपको क्या हासिल होगा। जब आप नमाज को सुकून से, इत्मीनान से अदा करेंगे, उसको इंजॉय करेंगे, समझ के पढ़ेंगे, जिस हस्ती के सामने खड़े हैं ये सोचेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे वही जो सकीनत है, ठहराव है, जो सुकून आपको नमाज में फ़ील होता है, जो एक इत्मीनान आप नमाज में दिखाते हैं, वही चीज़ आपको आपके बाकी रोज़मर्रा कामों में भी नज़र आएगी। तो इसलिए नमाज को बिल्कुल लाइट ना लें। कई बार हम शादियों पर होते हैं, हमारी नमाज़ें डिले हो जाती हैं, हम अपने डिनर, अपने लंच जैसे टाइम में रख लेते हैं कि जिससे हमारी नमाज़ें जो हैं वो डिले हो जाती हैं। तो कभी ये मत सोचें कि इसको ये बहुत अदा कर लेंगे जब टाइम मिलेगा, इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखें। आप अपनी स्केड्यूल को ऐसे प्लान करें कि आपकी नमाज़ें पहले हों और बाकी काम बाद में हों। ये नमाज ही है जो दिन में 5 बार हमें ये रिमाइंडर देती है कि हमारा रियल पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। वी आर हेयर टू वर्शिप अल्लाह सुभान व तआला। फिर सारे काम रुक जाते हैं और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हम हाज़िर हो जाते हैं, क्योंकि हम अल्लाह की वर्शिप के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। और ये पर्पज़ ऑफ लाइफ से मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ दिनों पहले मैं अपने बेटे को ये बता रही थी और उससे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने पूछे, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, शायद आप भी इस पर सोचें, आपको फ़ायदा हो जाए कि रियल पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। और इट इज़ कनेक्टेड विद अवर सलाह। आप जस्ट इमेजिन करें कि यू अज्यूम दैट वन डे यू वेक अप एंड यू फाइंड योरसेल्फ दैट यू आर इन अ प्लेन, और आप प्लेन में हैं और आप देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द बाकी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो अब आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आएंगे? आपके माइंड में यही लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे ना कि हु पुट मी हेयर एंड व्हाई एम आई हेयर एंड वेयर दिस प्लेन इज़ हेडिंग, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जा रहा है। तो अब आपको प्लेन में आपका फेवरेट फूड भी सर्व किया जा रहा है, आपकी फेवरेट मूवी भी लगी हुई है, बट वुड यू बी एबल टू इन्जॉय दैट मूवी और योर फेवरेट फूड जब तक आपको आपके आंसर्स ना मिल जाएं? तो डेफिनेटली आप बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर सकेंगे। तो फिर आप अपने इर्द गिर्द के पैसेंजर्स से भी पूछते हैं कि ये प्लेन कहाँ जा रहा है, कौन मुझे यहाँ पे लेके आया है, बट दे डोंट बॉदर, लाइक वो आपको कोई जवाब नहीं दे रहे। तो फिर क्या होगा? अब आप एकदम से आपकी आँख खुल जाती है एंड यू रियलाइज दैट यू आर ड्रीमिंग। अच्छा, अब आप मस्जिद में चले गए हैं, आपके माइंड में फिर भी वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपने ड्रीम में सोचे थे। तो फिर अजान होती है और फिर इमाम आते हैं और वो सूरह फातिहा की रेसिटेशन पढ़ते हैं, तो एक लाइट बल्ब ऑन होता है इन योर हेड एंड यू फाइंड ऑल योर आंसर्स। आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाते हैं क्वेश्चंस के। वो आंसर्स क्या थे? जो प्लेन जिसमें आप थे, दैट प्लेन इज़ प्लैनेट अर्थ and you were put here by Allah subhanahu wa ta'ala, Lord of the whole universe, Rabbul Alameen. And why you here? You're here to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ki worship karne ke liye aap is duniya mein aaye hain. And what is your destination? Jis tarah se plane ki destination thi, your destination is that you're heading back to Allah subhanahu wa ta'ala, and your destination is when you'll stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Jab judgment ke day pe aap Allah ke samne khade honge, that is your destination. तो क्या हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम इस तरह से सोचते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है? हम अल्लाह की बारगाह में जब खड़े होते हैं, हम अपने उस वर्शिप के पर्पस को फुलफ़िल कर रहे हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, पूरी दुनिया का मालिक है, उसके हाथों में हर चीज़ का कंट्रोल है, पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है, हमारे कामों को भी वो संभाल सकता है, हर चीज़। तो इस वीडियो से यही हम मैसेज लें कि जब नेक्स्ट टाइम हम अपनी नमाज़ पढ़ें तो हम ये सारी बातों को सोचें, अपने रियल
पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोचें और जिस हस्ती के सामने खड़े हैं उस हस्ती की अजमत को सोचें और ये सोचें कि हमारे जितने भी काम हैं ना, जो हमें जिनके बारे में फिक्रें रहती हैं कि वो होगा, अब इसके बाद क्या करना है, नमाज के बाद ये करना है, ये सोचें कि वो जो अजीम हस्ती है ना, वो सारे कामों को संभाल लेगा। बस जो नमाज जो आप पढ़ रहे हैं ना, उससे अफजल काम और कोई हो नहीं सकता। अल्लाह की बारगाह में जो हाज़िरी देने से अफजल काम कोई हो नहीं सकता। एंड मेक श्योर कि नमाज ऐसे पढ़ी जाए कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, और ये सोच के पढ़ें कि हमारी आखिरी नमाज भी हो सकती है। तो आज की वीडियो से बस यही अगर हम मैसेज ले लें, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सलाम। Cause my prophet said so. I pray my sunnah, cause my prophet said so. Love the ummah, cause my prophet said so.